तो यहाँ पे हम कर रहे थे भाई चिंगचौंग का इंतजार, इसने बहुत परेशान किया, बड़ी मुश्किल से पहुँचा ये और अभी पहुँच रहा है और अभी हम एक बंदे का और इंतजार कर रहे हैं। तो देखते हैं फ्रेंडो, नमस्कार, कैसे हो आप लोग। अभी हम पहुँचे हैं बंड विकास मेला पीपल कोटे में और ये मेरा फ्रेंड राज कोहली। और जितने भी आपको वीडियो मिलेगी टीवी उत्तराखंड को जरूर देखें और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चिंचौंग की बहुत वीडियो आपको टीवी उत्तराखंड में दिखने के लिए मिलेंगे। जी बिल्कुल। और भाई चलो कर रहे हैं तैयारी, कहाँ गए हमारे, चलो मिलाते हैं और टीम से, तो आपको बनाते रहेंगे अपने बीच में। और भाई लोगों कहाँ गए, कोई नहीं है भाई यहाँ। तो दोस्तों यहाँ पे किसी ने मुझ पे दया धर्म नहीं किया और यहाँ पता नहीं क्या क्या पकड़ा दिया मेरे हाथ पे। और ये है भी नहीं दया धर्म की, इन सबको भी नहीं है, इन सबको भी तो फिर मत बोलना कि मैं आपसे वीडियो पड़ गई। अच्छा तुम्हें क्या पता यार, वहां पे खाना खा रही शोर की, मैं अब वो सारी डाल रही मैं, खाना खा रही शोर की। अच्छा शोर की तो हां, तो तेरा हराम गाइस। यहां पे हमारी आदत पहुंच चुकी है स्टेज के पीछे और अभी बहुत सारे लोग हैं जिनका आना बाकी है। यहां पे रेडी होना स्टार्ट हो रहे हैं हम सारे, तो चलो रेडी होते हैं। और टीम अभी पूरी नहीं पहुंची है तो धीरे धीरे आ ही रहे हैं, फिलहाल हम हो जाते हैं रेडी। जो जब आता है आए हम कर देते हैं अपनी तैयारी कम्प्लीट। तो यहाँ पे चिंगचौंग कर रहा है पूरी थालियों को तैयार। और भाई तो रेडी हो रही है। तो फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं सारे श्रोतागण हमारे और रिंकू भाई हमारे ये भी थे जो आए नहीं थे पूरी टीम में। तो सभी अभी पूरी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और लगभग लगभग पूरे रेडी हो चुके हैं। तो आपसे मुलाकात कराते हैं पूरी टीम से। तो यहाँ पे भाई प्रकाश हमारा भाई अब तो आगे स्टेज पे म्यूजिक बजने बैठ गया है। तो गाइस हमारे म्यूजिशियन भी आगे स्टेज पे पहुँच चुके हैं और म्यूजिक की साउंड सुनाई दे रही होगी। तो सारे म्यूजिशियन बैठ चुके हैं आगे स्टेज पे और अब यहाँ पे आपको मिलाते हैं सभी टीम से। और आपने तो बहुत सारी वीडियो देखी और बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिशन है। तो ये भी भाई अभी आ रहे, मतलब टेंशन ही थी समय के कब आएगी पूरी टीम यहाँ पे। तो चार लोग पहुँच गए, मतलब पूरी टीम हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है सारे। तमाम वीडियो जो हमारा स्टेज शो की पूरी वीडियो होगी, पूरी वीडियो बनाई जाएगी, वो आपको डीबी उत्तराखंड में आज दिखा देंगे। तो हमारे तो अभी गए सारे म्यूजिशियन भी पीछे आ चुके हैं और भाई हमारे सावन भाई जिनका मेन प्रोग्राम है अपने चेहरा नहीं दिखा रहे क्योंकि भाई थोड़ा हड़बड़ी में बिजी हैं और जितना जल्दी हो सके स्टेज पर पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर भाई सभी रील्स वगैरह बनाने में बिजी हैं और हमारे प्रकाश और उसका नाम क्या है, और यहाँ पे हमारे मैनेजमेंट साहब बिल्कुल पानी की व्यवस्था नहीं की है हमारे लिए। कब करोगे पानी की व्यवस्था? बिस्लेरी करोगे? पानी आने वाला है, गगरी हो रही है। अच्छा गगरी है। और यहाँ पे भाई लगा लगा आप सबको मिला दिया इधर से। तो आप गाइस हमेशा रंगना जी का इंतजार कर रहे होंगे, तो भाई हमारी वीडियो में तो अभी यहाँ पे सामने रंगना जी हमारे सामने नजर आ रही है, तो यहाँ पे उनसे भी बात करेंगे थोड़ा। कैसा लगा और कैसे पहुंचे आप? कब पहुंचे? और हमारा चिंगचौंग भाई इनसे भी ज्यादा। तो भाई साहब अभी हमारी पूरी टीम यहाँ पे नजर आई एक साथ बड़ी मुश्किल से, और थोड़ा हम भी दिखाते हैं अपने आपको। तो यहाँ पे गाइस देखिए अभी पूरी टीम मतलब एक साथ, अभी मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो भी थे सारी टीम थी हमारी यहाँ पे पूरी कंप्लीट। बाकी गाइस आप सबको प्रोग्राम भी दिखाते रहेंगे और आगे भी हम रिस्क भी बताएंगे आपको, मतलब रिस्क जो बनाएंगे साथ में वो भी दिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। और यार आपने नाम नहीं बताया, आपका नाम क्या है? अच्छा मोनिका। और वो दूसरी का क्या नाम? शालिनी। तो हमारे साथ भाई दो भाई साहब हमारा चिंगचौंग जहाँ जाता है वहाँ चिपक जाता है और यहाँ पे लगातार फोटो शूट चल रही है इनके। और थोड़ा बात करते हैं कुछ क्या है, तो थोड़ा बहुत अपने।
शायद फर्स्ट और सेकंड। और गाइस अच्छा लग रहा है और बार बार मेरी मुनि भी देखते नहीं। अरे क्या बोल रहे सारी वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि उस वक्त हम कर रहे थे वजह से। तो चलो गाइस हम अभी थोड़ा करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस आप जिसे देखना चाहते हो अभी तो वो हमारे साथ है नहीं, वो चले गए हैं अपने घर। और अभी नाइट का प्रोग्राम हमारा है, इससे पहले आपने देखा था कि डे है और अभी नाइट है, तो अभी नाइट का प्रोग्राम भी हमारा है। तो अभी गाइस हमारी तैयारी हो चुकी है यहाँ से घर जाने की, और कुछ लोग यहीं पे हैं और कुछ जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं, मैं सालों और कहता अभी हम तीन घर जा रहे हैं, बाकी सभी यहीं पे हैं। और यहाँ पे नए नए चेहरे हमें नजर आ रहे हैं, प्रीति हुई, रानी हुई, और कौन है बाकी, इनका आज प्रोग्राम है बहुत सारे लोगों का। और मुझे आज काम पड़ गया है घर में, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ रहा है, नहीं तो तो गाइस पीपल कोटी से आने के बाद भाई गाड़ी पे बहुत काम है, टायरों में बिल्कुल भी हवा नहीं है, और एक ये लॉक टूटा था स्टीयरिंग साइड का, तो इसे मैं लगा रहा हूँ और ये पूरा ब्लैक आता है। इसके बाद भाई जी यहाँ पे कलर कर रहे हैं, तो कलर करेंगे इसके बाद हम चलेंगे। और ज़्यादा महंगा नहीं बैठा, 350 का पूरा बैठा है, फिटिंग करके और इसे ला करके कुछ भी और टोटल। और इसके बाद भाई हम हैं कॉन्ट्रैक्ट में, अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद सीधे निकलेंगे घर और ब्लॉग करते हैं हम सीधे डायरेक्ट यहीं पर समाप्त। और आपको हम अनीसा रांगड़ जी से ज़्यादा नहीं मिला पाए क्योंकि भाई हम ही खुद वहाँ पे बिजी थे और अनीसा रांगड़ जी भी बिजी थे, इसलिए हम आपको नहीं मिला पाए। तो चलो करते हैं इस गाइस इस ब्लॉग को एंड, और आप बताइए आपको हमारी ब्लॉग कैसी लगी कैसी नहीं लगी, तो ज़रूर आप अपना कमेंट करें। और हमें भी अच्छा लगता है अगर आप क्वेश्चन करते आंसर करते कुछ भी मतलब बताते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पे भाई ने कर दिया है पूरे अखबार से पैक, जिससे कि कलर इधर उधर ना पड़े। और भाई ये आता है कंपनी से ही ब्लैक आता है, तो कंपनी वाले खुद इसमें ब्लैक वाइट कलर करते हैं या जिसका जो कलर है वो करते हैं। तो अब भाई इस पर कलर करेंगे और इसके बाद ये पूरा बन जाएगा इसी गाड़ी के रूप में, जैसे ये पीछे वाला है वैसे ये भी बन जाएगा इस टाइप का भाई।